6 फरवरी को मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हो रहा था। देश दुनिया के तमाम लोग उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। यहीं शाहरुख खान भी अपनी मैनेजर पूजा दुदलानी के साथ स्पॉट किए गए। शाहरुख और पूजा दोनों एक साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने मंच पर चढ़े। पूजा वहां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जबकि शाहरुख खान ने पहले वहां खड़े होकर दुआ पढ़ी, फिर अपना मास्क नीचे खिसकाकर झुककर पार्थिव शरीर पर फूंक मारी, जो कि उनकी दुआ का हिस्सा था। अब इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। दिग्गज सिंगर रही लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हो रहा था, ये चीज चली गई बैकग्राउंड में। सोशल मीडिया पर लोग इस बात पर भिड़ गए कि शाहरुख खान ने लता जी के शरीर पर थूक दिया क्या। इस चीज को लेकर सोशल मीडिया दो फाड़ हो गया। एक तबका ये साबित करने में लग गया कि शाहरुख ने लता मंगेशकर का अपमान किया, जबकि एक धड़ा शाहरुख और उनकी मैनेजर की फोटो शेयर कर दिस इज आर इंडिया और शाहरुख खान इज नेशनल ट्रेजर टाइप की बातें लिखने में लग गए। जो लोग शाहरुख के फूंक मारने को थूकना कह रहे हैं, ये उनकी बेवकूफ़ी का नमूना है। इससे ये पता चलता है कि हमें एक ही देश में रहने के बावजूद दूसरों के धर्मों के बारे में कितनी कम जानकारी है। हमें ये भी नहीं पता कि दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारना उस प्रक्रिया का हिस्सा है, और ये बड़ी नफरती बात है कि किसी की डेड बॉडी पर खड़े होकर राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शाहरुख और उनकी मैनेजर की फोटो शेयर कर रहे हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। शाहरुख खान ने जो किया वो बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ थी। आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं। वहाँ दो धर्म के दो लोग खड़े थे जो अपने अपने हिसाब से दुआ कर रहे थे। उसे लेकर इतना पैशनेट होने की क्या ज़रूरत है। खैर, सोशल मीडिया गिमिक से कुछ अलग बात करते हैं। हम लोग महान कलाकारों पर बिना सोचे समझे टिप्पणियां कर देते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि उनका आपसी रिश्ता कैसा था, उसमें कितनी गर्माहट थी, कितना आदर सम्मान था। हमने यही टटोलने के लिए इन दोनों के कुछ पुराने इंटरव्यूज खंगाले, वहाँ से जो हासिल हुआ आपको बताते हैं। आइए जानते हैं कि ये दोनों शाहरुख खान और लता मंगेशकर एक दूसरे के बारे में क्या विचार रखते थे। लता मंगेशकर ने अपने करियर में शाहरुख खान की ढेरों फिल्मों में गाने गाए हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ हमेशा शाहरुख के इर्द गिर्द रही, कभी उनकी हीरोइनों की वॉइस रही वो, तो कभी उनकी माँ के किरदार की। लता मंगेशकर ने आखिरी बार जिस एल्बम के लिए सारे गाने गाए थे वो शाहरुख की ही फिल्म थी वीर ज़ारा। जब भी शाहरुख खान से लता मंगेशकर के बारे में पूछा जाता तो वो उनकी तारीफ के साथ एक ही बात कहते थे, मुझे ये अफसोस हमेशा रहेगा कि लता जी कभी मेरे लिए नहीं गा पाएंगी। जाहिर सी बात है वो फीमेल थी तो मेल एक्टर के लिए कैसे प्लेबैक करती। लेकिन शाहरुख का ये कहना इस बात को रेखांकित करता है कि वो लता की हस्ती का कितना सम्मान करते थे, लता के लेजेंडरी करियर की अहमियत को किस तरह समझते थे। मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और राइटर नसरीन मुन्नी कबीर ने लता मंगेशकर पर एक किताब लिखी, लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस। इस किताब के लिए एक इंटरव्यू में नसरीन मुन्नी कबीर ने लता मंगेशकर से शाहरुख की इस इच्छा और अफसोस के बारे में पूछा था। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने कहा, शाहरुख खान अलग अलग तरह के रोल्स कर सकते हैं। डर और बाजीगर में उन्होंने विलन का रोल किया, फिर आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म में उन्होंने रोमांटिक हीरो के आइडिया को बदल कर रख दिया। मेरी भी इच्छा है कि काश मैं शाहरुख खान के लिए गा पाती। पिछले दिनों शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान की वजह से चर्चा में थे। आर्यन को नारकोटिक्स केस में गिरफ्तार किया गया था। जब जेल से निकलकर आर्यन घर पहुंचे तो फिल्म समीक्षक सुभाष के झा ने लता मंगेशकर से बात की। उन्होंने लता जी से शाहरुख खान से जुड़ी कई सवाल पूछे, इसमें शाहरुख के अफसोस वाली बात भी शामिल थी। इस बातचीत में लता मंगेशकर बताती हैं, मैंने शाहरुख को पहली बार फौजी नाम के टीवी सीरियल में देखा, वो दूरदर्शन वाला दौर था। मुझे तभी उन्हें देखकर लगा था कि इस लड़के में कुछ खास बात है। उसके बाद मैंने उन्हें उर्मिला मातोंडकर के साथ फिल्म चमत्कार में देखा। उस फिल्म में शाहरुख की परफॉर्मेंस बड़ी मासूम और ईमानदार थी। बाद में मैंने उनकी दीवाना और बाजीगर जैसी फिल्में देखी जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल्स किए थे। उन परफॉर्मेंसेस से ये साफ हो गया था कि वो किसी भी तरह का रोल कर सकते हैं। इसी बातचीत में लता मंगेशकर ने शाहरुख की कही बात को कोट किया। लता जी जोड़ती हैं, मैंने शाहरुख को कहीं ये कहते सुना था कि उन्हें रिदम और डांस का सेंस नहीं है। फिर मैंने उन्हें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने रुक जा ओ दिल दीवाने में देखा, उसमें इतना सही एक्टिंग किया था उन्होंने। इसके बाद मैंने उन्हें दिल से फिल्म के गाने छैया छैया पर डांस करते हुए देखा। ही मूव्ड लाइक अ ड्रीम। फाइनली उन्होंने शाहरुख खान के लिए गाने वाले सवाल पर बात की। लता मंगेशकर ने कहा, दिलीप कुमार साहब के साथ शाहरुख की तुलना की जाती है, उन्होंने भी एक बार ऐसी ही इच्छा जाहिर की थी, काश मैं शाहरुख के लिए गा पाती। गानों में उनके एक्सप्रेशंस बहुत करेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर कलाकार आपसी सम्मान का मूल समझते हैं, क्योंकि उनके पास आर्ट है और उस आर्ट से उपजी समझदारी भी।
अगर कोई कुछ नहीं जानते समझते तो वो हैं ट्रोल्स, उनका तो काम ही है नफरत फैलाना, बेचारी नफरती जीव। आपके लिए खबर लिखी थी श्वेतांक ने, देखते रहिए द ललन टॉप और हमारे चैनल ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।